हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद इस्माइल, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इमरान पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलबर्गा। डियर फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एमकैट लैब के बारे में। हमने कल सीखा था पार्ट बी, क्रिएटिंग 3D ड्राइंग फॉर द ऑर्थोग्राफिक व्यू का मॉडल नंबर वन, फर्स्ट मॉडल जो कि है मॉडल नंबर 3। आज हम सीखेंगे सेकेंड मॉडल जो कि है मॉडल नंबर 4। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, हम इस फिगर में देख सकते हैं 70 mm इंटू 45 mm का एक रेक्टेंगल है जो कि बेस है, उसकी हाइट है 15 mm। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले सॉलिड एज ओपन कर लें, इसमें सॉलिड पार्ट, देन प्रोट्रूजन, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टॉप प्लेन, देन ये रेक्टेंगल कमांड को सेलेक्ट करें। सबसे पहले इसमें विड्थ दें, विड्थ होगी आपकी 70 और हाइट होगी इसकी आपकी 50 mm। सो 70 एंटर, 50 एंटर, एंगल शुड बी 0। ओके, इसको यहाँ साइड में फर्स्ट, पहले तो साइड में ड्रॉ करें, उसके बाद लाइन कमांड लें। इसके सेंटर पॉइंट से, ये वाले लाइन के सेंटर पॉइंट से अपोजिट लाइन के सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद कंट्रोल ए दबाकर पूरे इसको सिलेक्ट करें, मूव कमांड लें और जो हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है उसके सेंटर पॉइंट से एक्सिस लाइंस के सेंटर पॉइंट पे ला के इसको ड्रॉप कर मूव करें, देन एस्केप दबाएँ। अगेन सेलेक्ट टूल कमांड, सेलेक्ट टूल लेके एक्स्ट्रा लाइन पे क्लिक करें और उस लाइन को डिलीट कर दें, देन रिटर्न जाएं। रिटर्न जाकर इसके डिस्टेंस दें 15, क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल की हाइट को टॉप व्यू में नज़र आएगी, इस वाले रेक्टेंगल की हाइट आपको टॉप व्यू में नज़र आएगी जो कि है 15 mm। सो 15 mm दें, एंटर, फिनिश। ये रेडी हो गया आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक। जैसे कि आपको और एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, अगर आपको ऊपर से इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल है, बट अगर आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं है। से आपको इस पॉइंट तक रेक्टेंगल नज़र आएगा और ऊपर सेमी सर्कल और उसके अंदर एक होल भी है। तो इस वाले एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा अगेन प्रोट्रूजन, देन फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन के बाद जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली सिमेट्रिकल है। अगर आप इस तरफ का सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये वाली एक्सिस लाइन से इस तरफ का डिस्टेंस जो कि है आपका 20 mm, कितना 20 mm, एक्सिस लाइन सेंटर लाइन से 20 mm की लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से सबसे पहले सेंटर पॉइंट से इस तरफ 20 mm की लाइन, एंटर, एंगल 0 डिग्री, एंटर। उसके बाद ऊपर हाइट, हाइट इसकी है 50 mm, 50 mm की आप एक हाइट लाइन ड्रॉ करें, 50 mm, एंटर, एंगल 90 डिग्री, एंटर। उसके बाद अगेन नीचे की तरफ से इस तरफ 20 mm, माइनस 180 डिग्री एंगल, देन ऊपर की तरफ 50 mm, एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला दें, देन एस्केप, सर्कल कमांड लें। सर्कल कमांड में डायमीटर और ये वाले जो बाहर का जो सेमी सर्कल नज़र आ रहा है उसका रेडियस दिया हुआ है 20 mm। सो 20 mm का रेडियस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप सर्कल कमांड लें, उसके बाद टैब दबाएं तो आपका रेडियस टाइप करने का हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करें रेडियस की वैल्यू जो कि है 20 mm, तो आपका ये सर्कल रेडी हो गया। इसको आप जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है दिखाना चाहते हैं वहाँ पर लाकर इसको क्लिक करें और छोड़ दें, देन स्केप दबाएं। उसके बाद ट्रिम कमांड लें, जो अनवांटेड लाइंस हैं उसको डिलीट करें, फिर ये आपका आपका सेमी सर्कल रेडी हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है अंदर का होल वाला सर्कल जो कि है 20 mm का डाया। सो अगेन सर्कल कमांड ली, अब इस बार
डायमीटर का बॉक्स जो जो कि हाईलाइटेड है उसमें 20 mm टाइप करें, एंटर। उसके बाद इस जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो बाहर का सेमी सर्कल है और जो सर्कल है उन दोनों का सेंटर एक ही है। सो वो वाले सेंटर पर लाने के लिए सबसे पहले आप बाहर वाले लाए सेमी सर्कल पे जस्ट स्लाइड करें उसके ऊपर, तो आपको इसका सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा। फिर उसके सेंटर पॉइंट पे जाके इस नए वाले सर्कल को क्लिक करें, एस्केप दबाएं, रिटर्न। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाले ब्लॉक करने को की डिस्टेंस देने से पहले आप ये देखें कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, जो कि आपको टॉप व्यू में नज़र आएगी जो कि है 20 mm। बट फिर जैसा कि आपको सेंटर टॉप व्यू में नज़र आ रहा है, ये सेंटर वो लाइन से दोनों तरफ की तरफ 20 mm है। सो इस तरह की डिस्टेंस देने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा ये वाला प्रोट्रूजन सिमेट्रिक एक्सटेंड, इसको क्लिक करें, देन डिस्टेंस आप दें 20 mm। सो वो वाले सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ वो 10 10 mm बट टोटल 20 mm एक्सटेंड कर देगा, देन फिनिश। इस तरह से ये वाला आपका एक्स मॉडल नंबर 4 रेडी हो गया। बस आप इसको सेव करें, सेव एस मॉडल 4, सेव एंड एग्जिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, कल हम सीखेंगे मॉडल नंबर 5। सी यू सून।